हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पाक मीडिया शॉक्ड, पाकिस्तान ऑफिशियली किंग ऑफ बेगर्स, पाकिस्तानी रिएक्शन। ओ अब समझ में आया, क्योंकि एक हमने न्यूज की हुई थी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, वो कमाल की थी। ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि किसी और देश में जब वो एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी बेगर्स ये कहाँ से आ रहे हैं, भिखारी कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि किसी और कंट्री में एनालाइज करना पड़ा ये बेगर सारे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे लगा ये कंट्री में वो उनको ये दिखा कि भैया इतने भिखारी कहाँ से आ रहे हैं हमारे देश में, और जब पता किया तो सारे भिखारी कहाँ के निकले, पाकिस्तान के। बहुत ही वो खास पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं भीख मांगने, कमाल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है जैसे हमने ठप्पा इनको दिया हुआ है ना कि ये भीख मांगते रहते, भिखारी हैं, उन्होंने कहा भैया ठप्पा को हम उसको सच बनाने के लिए वो पूरे दिन दिलों जान से लगते हैं। मैं तो ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूं कि ये न्यूज़ में था कि किसी ने एनालाइज करके पता किया उनके गवर्नमेंट ने जितने भी बैगर्स हैं वो सारे पाकिस्तान से, मतलब मेजॉरिटी। बिल्कुल, अब वो उनकी अपनी एनालिसिस, उससे मैं शॉक हो रहा हूं। मैं भी हो रही थी, मैं तो हैरान हो गई थी। मैंने कोई न्यूज़ नहीं जनरेट की, ये देखते हैं वहां के किसी और देश ने ये बोला है और पाकिस्तान वाले ही इस पे रिएक्शन करके न्यूज करके इसको और प्रमोट कर रहे हैं न्यूज। नहीं तो किसी को शर्म आ जाती है, चुप रहते हैं कि भैया ये खबर बाहर ना फैले, वो इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया तक ये पता चल गया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आई गए हो तो देखी लो क्या बना है। ओके भिखारी बाहर जा रहे हैं, बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। 1947 के हालात और 2023 के हालात दोनों के सेम लग रहे हैं। तब भी हमको मदद मांग रहे थे और आज भी हमको मदद मांग रहे हैं, तो हमारी जो है हेल्प कीजिए। पहले डेलीगेशन था, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा था कि हमारी मदद कीजिए। तो यह पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त, एनर्जी के बहुत क्राइसिस का हम शिकार है। अभी नहीं, लास्ट तकरीबन 5-7 ईयर्स से हम इस मसले का शिकार है। स्पेशली जो नेचुरल गैस है वो हमारी फैक्ट्रीज को भी चाहिए, घरों को भी जरूरत होती है, और जब भी सर्दी आती है तो हमारे सर पे, जिसे कहते हैं कि हम, हमारे यहाँ एक बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। वैसे अब गर्मियों में भी गैस की प्रॉपर लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन सर्दियों में शायद हार्डली 24 आवर्स में से 5-6 घंटे के लिए गैस अवेलेबल होती है। और कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं बड़े शहरों के जहां पर सिरे से सर्दियों में गैस आती नहीं है। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। बैरियर्स बनाए कर बड़ी तादाद में जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदी और इराक चले गए हैं, दुनिया में जा रहे हैं, और वहाँ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारी सेंडिंग कमेटी को कंप्लेन की है कि पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं वो उनके ऊपर तादाद की कमी लेकर आओ, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मांग रहे हैं। उसे एक दिन बाद हम देखते हैं कि वहां पर पाकिस्तान के एयरलाइन का जहाज जो था वो उड़ान में था, तो वहां पर एयरलाइन के अंदर ही एक बंदे ने खड़े होकर मांगना शुरू कर दिया। कुछ तो बैगर्स से बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रिवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे, ये बड़ा एक फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए गए। मैं आई विटनेस हूं, इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा था। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उमरा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा था, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ, मैं तो खुद रैंपते मांगने आया हूँ, तो तुम वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। कि मुसलमानों में एक फितरत होती है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली, खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा,
औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा, मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। आप मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब तो अब एयरलाइंस भी, अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज प्रेवस्त हो चुकी है जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही यार आपसे, हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे 1500 साल से। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, इस वक्त हालात ये है हमारे पाकिस्तानी के, कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं, यूएसए में मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हर जगह। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से बात ही मांगा था, उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं डॉन के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में, स्किल्ड लेबर में भारत बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पर तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है, उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आप तो आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी जब सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी लेकिन आपने वो भी बंद कर दी। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद, जिहाद, क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ और अभी तक आप वो हश पढ़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते, अब वो डॉलर नहीं आएंगे, दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है, कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है, दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशत गर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, आप टेररिज्म क्या करें, लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद। मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे, और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे, अब वो हश पड़, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैकर्स नॉट चूजर्स, फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगे आए। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूँ हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी इज जस्ट लाइक के कुत्ते के दुम, के 10 जन्म भी काट दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, तो इनको पढ़ना है नहीं, इनको भीख मांग करके ही पूरा जीवन चलाना है, चाहे वो इस्लामिक पूरा देश ही पाकिस्तान क्यों ना हो या भारत में 14% मुसलमान क्यों ना हो, इनको इनके दिल में दिमाग में इनके ब्लड में इनके सारी चीजों में ये चीज भरा हुआ है कि हमको सामने वाले को बेवकूफ बनाना है और फिर हमको उसी को गाली देना है। तो वही कर रही है। जब लास्ट में उसने बोला ना कि पाकिस्तान या जो भी मुसलमानों को तो बस यही करना है कि सामने वाले को काम करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना चाहते नहीं हैं, इजी मनी उन्हें चाहिए, वो कैसे करते सामने वाले को बेवकूफ बना के पैसा लूटते, तो वो जो खुद बैठी हुई है वो भी तो यही कर रही है, अपने देश की थू थू और इंडिया की वाह वाह
किसको बेवकूफ बनाने के लिए, इंडियंस को बनाने के लिए इजी मनी, क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है, बैठ जाओ दूसरे को बिला लो, बातें कर लो, ना तुम्हें कोई अक्ल, ना कोई पढ़ाई, ना लिखाई, तुम शुरू हो जाओ कुछ भी बोलने के लिए अपने देश के अगेंस्ट। जिस तरीके से वो लेडी जो है पाकिस्तान की सुन रही है, उससे पता लग रहा है कुछ नहीं सुन रही, नहीं सुन रही उसको ऐसे कि जो भी हो जाए तुम ये हो वे हो, कोई उसको कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, और कोई इंटेलिजेंट मतलब बैक एंड फोर्थ होता ही वरना नहीं, कोई कुछ बुरा बोल दे तो मत रहता है, तुम कुछ बताओ कुछ उसका, वो तो मान के बैठी हुई हाँ ये होता उसको है, उसको तुम बोल रहे हो बोलो बोलो बोलते जाओ, पैसा आ रहा है आ जाए आ जाए आ जाए, उसको उसके माइंड में चल रहा है वो गुड गुड, और बुरा जितना बुरा बोलोगे उतना बुरा बोलोगे उतना आएंगे और उतना मेरा पैसा आएगा, बल्ब जल रहा है उसके माइंड में ऐसा पैसा आ रहा है और बोल दो, नहीं तो कोई बोले इस टाइप से कि पता नहीं कुत्ते की दुम और वो सब कोई कैसे सुन सकता है, मेरे समझ में सोचोगे अरे वाह वाह क्या बोला और बोलो। और वो जो दूसरे थे जो बता रहे थे कि भाई मैं तो खुद ही गया हुआ हूँ और मेरे साथ बैठ जाता था वो और बोलता था मेरा पासपोर्ट भी गुम हो गया है, ये हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे पैसे मुझे थोड़े दो भिखा, ये उनका भीख मांगने का तरीका है कि भैया ये बोलने की जगह कि मेरे को खाने खूने के लिए पैसे, जैसे असली भिखारी बोलते हैं वो ये नहीं बोलते, कहते पासपोर्ट मेरी जेब चोरी हो गई है बने हुए नहीं, और नहीं उसके बाद वो उस जो खुद जवाब दे कहते मैं तो खुद ही मांगने आया, बड़ा मजा उस बिचारे को लगा आप कहां से हैं, मतलब जो उसने कहा भाई मैं भी पाकिस्तान से, मैं तेरा बाप हूं इस मामले में, जिसको बोला कि मेरा पासवर्ड चोरी हो गया, हो गया, जब इनसे बोलेगा तो उसको लग रहा होगा हिंदुस्तानी है, मैं भी नहीं क्योंकि भाषा तो हिंदी है ना, हिंदी में बोल रहा है, तो इन्होंने भी यही कहा होगा भाई साहब ने कि मैं तो खुद मांगने आया हूं, तो आप कहां से हैं पाकिस्तान, समझ गए आप हमारी बिरादरी के, किसी और को देखता हूं मैं आगे जाके पाकिस्तानी ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी तो मेरे जैसा ही है, मेरी बरादरी का वो तो देगा नहीं, को पकड़ता हूं, क्योंकि वो भी मांग नहीं आए बिल्कुल बड़ा मजेदार था अपने ही उसमें इन्होंने बातों बातों में ऐसी ऐसी पोलें खोली हिस्ट्री की भी और अभी की भी, एक प्रोफेशनल तरीका होता है, टाइम खत्म हो रहा है मगर वैसे बता रहा मैं आपको प्रोफेशनल तरीका होता है, यहाँ पर भी एक लेडी आएगी बोलेगी मेरी कार खराब होगी हाँ। मेरे को घर छोड़ दो हाँ। बहुत बार ये पैसा साथ नहीं मांगती, पहले बोलती है घर छोड़ हाँ। दो, फिर को बोलेगा अच्छा आपका घर कहाँ है, अच्छा वहाँ पे है, ठीक है घर छोड़ देते बैठिए, बोलती है अरे यार क्या तुम इतने तकलीफ लोगे, मुझे घर छोड़ोगे, मुझे $5 दे दो मैं उससे घर चले जाऊंगी, तो अगला बंदा क्या बोलेगा नहीं $5 नहीं देता मैं तो छोड़ के आऊंगा, वो बोलेगा चलो $5 ले लो, ले लिए, ऐसे बहुत तरीके हैं इनके, कई तरीके आप सुनते हैं, मैं तो सुन के देखता हूँ माय गॉड बोल के रही लड़ी पहले ना जान ना पहचान, तेरे लिए अनसेफ कि तू किसी से बोले मेरे को गाड़ी में बिठा लो, और वो बंदा जो तेरे को नहीं जानता उसको क्या पता तू कौन है, उसको इंसिस्ट करो नहीं मैं घर छोड़ के आता हूँ, घर छोड़ के नहीं घर छोड़ के नहीं पैसा दे दो नहीं मैं घर छोड़ के आता हूँ, नहीं जाना तो फिर चली जाएगी, ऐसे ऐसे होते हैं यहाँ पे भी है, हमारे साथ हुआ था, मैं हैरान थी ये बातें छोड़ देते हैं, ये बातें कर रहे हैं, कहती क्या छोड़ोगे खज्जल होगे, तुम्हारा छोटा बच्चा साथ में है, पैसा दे तो $5 में चली जाऊंगी मैं, तो इसलिए कोई आदा होते ना मैं कहती भैया और मैं कहा, उसने ये भी बोल रही है कि कहां अनजान आदमी को कार में लेके जाओगे, एक तो बोले घर छोड़ दो, होता है तो ये देख लो अलग अलग तरीके हैं कि कैसे इन्होंने भी मान लिया कि हवाई जहाज में भी तक ये मांगते हैं, एक तो वीडियो हमने देखी और ये कह रहे हैं अभी कोई रिसेंटली एक और हुआ है, मतलब ये प्रॉपर धंधा बन गया है प्लेन्स के अंदर भी, मैं तो सोची थी कोई एक भूला भटका तो फिर कह रहे हैं कि मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ किसी उसको, तो वो भी तो तरीका ही है ना यार, अगर वो बोलेगा मेरे को दे दो कहेगा तो प्लेन में कैसे अपने लिए मांग रहा है, तो इसलिए वो ऐसे दिखाते हैं, हमने देखा था उसमें कहते हैं पैसा मांगो मदरसे के लिए, अभी इसमें पता नहीं ये जो प्लेन वाली बात कर रही है जो अभी एक कल परसों की कोई लगता है एक और बात हुई है ये प्लेन में मांगने वाली, ये किसने और क्या बहाना मार के लिया है, पर लगता है ये इसी टाइप से बोलते होंगे कि मैंने कोई स्कूल मदरसा बनाना है, वही इसी बहाने से मांगते होंगे, देख लो बन गए हैं ये, इनको और किसी चीज का मुकुट नहीं मिला, इनको मुकुट मिला है भिखारियों का राजा बनने का, चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।